कमलनाथ के कर्ज माफी दांव की हकीकत, मध्य प्रदेश के 90,000 किसानों का नहीं होगा कर्ज माफ। भोपाल सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए कर्ज माफी का जो तोहफा दिया है उससे प्रदेश के 90,000 किसान महरूम रहेंगे। इन्हें खुद कर्ज चुकाना होगा वरना जमीन गिरवी ही रहेगी। दरअसल सरकार ने अल्पावधि कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया है जबकि इन किसानों ने टर्म लोन लिया है, यानी उपकरण खरीदने से लेकर अन्य कामों के लिए कर्ज उठाया है। 30 जून 2018 की स्थिति में इन किसानों के ऊपर 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का लगभग 2000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्ज अदायगी न होने से हालत ये हो गई है कि जो बैंक दूसरों को कर्ज देते थे वे खुद कर्जदार हो गए हैं और इसका बड़ा बोझ इतना बड़ा कि सरकार को इन्हें बंद करने का फैसला करना पड़ा। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता का कहना है कि कर्ज माफी के आदेश अल्पावधि कृषि ऋण के लिए हैं। प्रदेश में किसानों को खेती के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अलावा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्ज देते थे। 2009 तक बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज लेकर किसानों को खूब कर्ज बांटा। 2009 के लोकसभा चुनाव के समय से किसानों ने कर्ज माफी की आस में कर्ज चुकाना बंद कर दिया। यूपीए सरकार की कर्ज माफी और राहत योजना आई तो हजारों किसानों के कर्ज माफ हो गए तो कुछ को राहत राशि भी मिली। इसके बाद बैंक कभी पटरी पर नहीं आ पाया। बैंक ने कर्ज देना बंद कर दिया पर वसूली जारी रखी। इसके लिए समय समय पर एक मुक्त समझौता योजना भी लागू की गई, यानी मूलधन चुकाओ और ब्याज माफ कराओ। इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। बैंकों का 1,08,000 किसानों के ऊपर 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज निकल रहा था। हालात ये हो गए कि बैंक के लिए वेतन बांटना और अन्य खर्च जुटाना भी मुश्किल हो गया। इसमें 2 या 3 किस्त में मूलधन चुकाने पर ब्याज माफ करने का ऑफर दिया गया। 96,000 किसानों ने संकल्प पत्र भर कर दिया कि वे योजना में शामिल होंगे पर यह कोरा वादा साबित हुआ। सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों की 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी है, वे दूसरे किसी बैंक से कर्ज भी नहीं ले सकते हैं। ब्याज माफी जैसी आकर्षक योजना होने के बावजूद लगभग 18,000 किसानों ने ही कर्ज चुकाकर ब्याज माफी का लाभ लिया। इन किसानों को उम्मीद थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कर्ज माफी की घोषणा का फायदा उन्हें भी मिलेगा पर ऐसा नहीं होगा। एक तो सरकार का फैसला कृषि ऋण से जुड़ा है और इन किसानों ने मध्यावधि या दीर्घावधि के लिए टर्म लोन यानी कृषि से जुड़े दूसरे कामों के लिए कर्ज लिया है। उधर बैंकों को बंद करने का निर्णय भी सरकार कर चुकी है, ऐसी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब इन किसानों को कर्ज चुकाना ही होगा वरना कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि बैंक का कर्ज चुकाने की गारंटी राज्य सरकार ने नाबार्ड को दी है। नाबार्ड की उधारी 880 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की कर्ज की स्थिति को देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक कर्मभूमि रहे विदिशा के 8,500 से ज्यादा किसानों पर 208 करोड़ रुपए बकाया है। भिंड के 4,900 किसानों पर 137 करोड़, सागर के 4,500 किसानों पर 45 करोड़, सीहोर के 3,500 से ज्यादा किसानों पर 110 करोड़ और छिंदवाड़ा के 1,500 किसानों पर 35 करोड़ रुपए का कर्ज है। सबसे कम 17 करोड़ रुपए टीकमगढ़ के 900 किसानों से लेना है।